बीसीसीआई वालों की एक अलग ही रणनीति है। यशस्वी जायसवाल को T20 टीम में इसलिए ओपनर बनाया गया है क्योंकि वो तेज खेलते हैं और पावर प्ले का प्रयोग करके टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं। जायसवाल को टेस्ट क्रिकेट में ओपनर इसलिए बना क्योंकि रणजी में बहुत सारे रन बनाए और सबसे शानदार बैटिंग रिकॉर्ड बनाया। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को रगड़ रगड़ कर धोया इस युवा बल्लेबाज ने, लेकिन ओडी टीम में यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बनती क्योंकि रोहित शर्मा गिल के साथ ओपनिंग करते हैं। दोनों तरफ से तेज बल्लेबाज खिलाने में क्या दिक्कत है? टेस्ट क्रिकेट में कितना अच्छा खेले रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की T20 अंदाज में धुलाई की थी। गिल एक मैच में चलता है, बाकी के 9 मैचों में फ्लॉप रहता है। वही यशस्वी जायसवाल हमेशा तगड़ी शुरुआत की गारंटी देता है। टेस्ट खिला रहे हैं, T20 खिला रहे हैं, लेकिन ओडी के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मौका देकर देखो, एक बार जायसवाल को इतना अच्छा खेलेगा ओडीआई टीम में भी जगह पक्की कर लेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं यशस्वी जायसवाल को ओडी टीम में भी मौका मिले?